हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज है 3 फरवरी 2020। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा आप लोगों को। और वीडियो के अंत में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो का PDF फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात कर लेते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस की। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वैश्विक रूप से आम लोगों को आर्द्र भूमियों के महत्व और लाभों के प्रति जागरूक करना है। अब ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड्स कन्वेंशन को अपनाया गया था और इसलिए पूरे विश्व में हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 1997 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार मनाया गया था। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आया है, तो फरवरी माह में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डे मनाए जाएंगे, उन सारे इम्पॉर्टेंट डे के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट डे है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह भी दिवस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इस दिवस को भी आप लोगों को याद रखना है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नेपाल में भारत का राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है नेपाल देश का, तो नेपाल देश के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी का नाम काठमांडू है और यहाँ के मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम विद्या देवी भंडारी है और नेपाल देश के प्रधानमंत्री का नाम केपी शर्मा ओली है। अब आपको नेपाल देश से और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, यह नेपाल देश में ही स्थित है। आइए चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2019-20 में PEN गौरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में यूसुफ जमील को 2019-20 का PEN गौरी लंकेश सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। इस सम्मान के लिए प्रतिवर्ष एक ऐसे व्यक्ति या संगठन का चयन किया जाता है जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए साहस और हिम्मत के साथ कार्य किया। तो आपको पता चल गया होगा कि PEN गौरी लंकेश सम्मान क्यों दिया जाता है। यह सम्मान एक ऐसे व्यक्ति या संगठन का चयन किया जाता है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए साहस और हिम्मत के साथ कार्य किया हो। आइए चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स पर भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को कौन सा स्थान दिया गया? तो अभी हाल ही में 2019 ग्लोबल गो टू थिंक इंडेक्स रिपोर्ट पर भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को 27वां स्थान दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी कि ORF में
176 वैश्विक थिंक टैंकों के बीच 90 से अधिक स्थान पर ऊपर आकर 27वें नंबर पर पहुंच गया है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल गो टू थिंक इंडेक्स के बारे में, और इसमें जिक्र हुआ है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बारे में जानते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना 5 सितंबर 1990 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में है, और नई दिल्ली भारत देश की राजधानी है, और भारत के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, सबको पता है। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन संजोय जोशी हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निदेशक जनक राज को नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है आरबीआई का, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। भारत में सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी, और वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई शहर में है। और गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो आरबीआई की गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में ऑर्केस्ट्रा आयोजित करने वाली पहली महिला कौन होगी? तो अभी हाल ही में ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में ऑर्केस्ट्रा आयोजित करने वाली पहली महिला आइमर नून होंगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने USMCA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिका देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने USMCA समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है अमेरिका देश का, तो अमेरिका देश के बारे में जानते हैं। अमेरिका देश की राजधानी वाशिंगटन DC है, और यहाँ के मुद्रा का नाम अमेरिकी डॉलर है, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अब इस समझौते के बारे में जान लेते हैं, USMCA समझौता है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं USMCA का नाम क्या है। तो USMCA का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां ई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में 15वां ई शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अब महाराष्ट्र राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो कि शिवसेना पार्टी के लीडर हैं, और यहाँ के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा प्रदीप नंद्रा जोग। महाराष्ट्र की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, और विधानसभा में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन राज्यों की सीमाओं से महाराष्ट्र घिरा हुआ है। अब महाराष्ट्र के बारे में कुछ और एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि BARC बार्ग का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में ही है।
भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSI, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में ही स्थित है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खादी घड़ियों का विशेष संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में खादी घड़ियों का विशेष संस्करण नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नितिन गडकरी हैं कौन? नितिन गडकरी हमारे देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं खादी घड़ियों के बारे में। खादी संग्रह की घड़ियों का डायल और पट्टा खादी के कपड़ों से बनाया गया है। इन्हें महिला और पुरुष दोनों के लिए पेश किया गया है और इसकी कीमत 4,995 रुपये से शुरू होती है। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी हाल ही में नेपाल देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में IBM कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको फुल डिटेल के साथ देना है दोस्तों। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर यह चैनल भी आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास ही में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।